हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, शो दैट दिस कॉस स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस में कॉस स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में टेन 60 डिग्री प्लस थीटा एंड टेन 30 डिग्री माइनस में थीटा। ये क्या करना है आपको, इक्वल टू वन लेकर आना है, ठीक है। तो देखो जरा इनको हम कैसे कर सकते हैं। देखो आपको साफ ही पता चल रहा है इस तरीके के क्वेश्चन में। यहाँ देखो 45 प्लस थीटा है और ये 45 माइनस थीटा है, इनको जरा ऐड करो कितना बनता है, 90 बनता है। यहाँ पर भी देख लो आप, 60 प्लस थीटा और प्लस में ये 30 माइनस थीटा करूँगा तो 90 बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में, जब हमने एक्सरसाइज 8.3 की थी, ठीक है। तो उसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं अब यहाँ पर, तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये कोस स्क्वेयर 45 प्लस में थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर 45 माइनस में थीटा अपॉन में क्या है ये हमारे पास, टेन 60 प्लस में थीटा और फिर मल्टीप्लाई में ही है ये टेन 30 माइनस में थीटा। तो देखो मैंने जो आपको बताया, ये इस पूरे को थीटा समझो, इस पूरे को थीटा समझो, ठीक है ना। तो इनको ऐड करो जरा, 45 प्लस थीटा और प्लस में 45 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 45 45, 90 हो रहा है। सेम यहाँ होगा, 60 प्लस थीटा प्लस में 30 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 60 30 90। तो इनमें आपको बताए गए हैं कि कैसे लगते हैं फॉर्मूले। तो देखो जरा आपको पता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये कोस थीटा जो होता है ये क्या होता है आपके पास, साइन 90 माइनस में थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वेयर है तो यहाँ स्क्वेयर होगा तो यहाँ भी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर कोस स्क्वेयर 45 प्लस में थीटा प्लस में, अब कोस थीटा को हमने क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ स्क्वेयर तो साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, और थीटा इस पूरी टर्म को लेना है आपको। तो देखो जरा साइन स्क्वेयर 90 माइनस में थीटा है ना, तो थीटा ये पूरा है तो इसको हम इस तरीके से लिख दें, 45 माइनस थीटा बताओ अपॉन में। सेम यहाँ पर भी होगा, देखो ये टेन 60 प्लस में थीटा है, यहाँ पर टेन को चेंज कर दो किस में, कोट में, तो ये कोट 90 माइनस थीटा बनेगा, दैट इज 30 माइनस थीटा। यहाँ पर ये थीटा इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देते हैं हम, और ये नीचे स्क्वेयर नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है जी, क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अब समझ में आएगा अब आपको। देखो कोस स्क्वेयर 45 प्लस में थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर, अब देखना है यहाँ पर 90 माइनस में ये 45 है और ये माइनस थीटा क्या बन जाएगा, प्लस का थीटा बन जाएगा क्योंकि माइनस का बाहर साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, ठीक है ना। तो ये देखो, और अपॉन में यहाँ पर भी एज इट इज़ करेंगे हम, ये टेन 60 प्लस में थीटा है और कोट यहाँ पर भी ये आ जाएगा 90 माइनस में 30 प्लस का थीटा बन जाएगा, ये समझ रहे हो ना कैसे, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो ये कोस स्क्वेयर 45 प्लस थीटा, ये बन जाएगा अब यहाँ पर साइन स्क्वेयर, 90 में से 45 माइनस करो 45 और प्लस में थीटा आएगा, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये टेन 60 प्लस में थीटा और ये आ जाएगा कोट 90 में से 30 माइनस करो 60 प्लस में थीटा। अब देखो जरा यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ मैं कोस स्क्वेयर, ये पूरे को थीटा समझो और ये साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये वन हो जाएगी वैल्यू ऊपर वाली, और नीचे देखो जरा ये है टेन 60 प्लस में थीटा, और कोट को भी मैं लिख सकता हूँ 1/10, तो ये इसको भी लिख दूंगा 1/ में टेन 60 प्लस में थीटा, समझ रहे हो बात को, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो टेन 60 प्लस थीटा, ये भी टेन 60 प्लस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देख लो क्या बचा, सिर्फ वन ही बचा, तो वन आ गया। तो देख लो आपके पास ये हमने शो कर दिया, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी वन के ही इक्वल आ गई, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, आया समझ में। तो बस ट्रिक याद रखनी है आपको, आपने देख लेना है ये थीटा को ऐड करो जरा, 90 बनते हैं, तो 90 वालों में फिर यही वाले फॉर्मूले बनते थे, ठीक है ना। कोस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा और टेन को कोट 90 माइनस थीटा, फिर अपने आप ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।